दोस्तों माय यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट में दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह जो है हम वहाँ पर सेंड कर देते हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके ऊपर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं टाइम की कमी की वजह से। और दोस्तों आज 7 नंबर की क्लास स्टार्ट हो रही है कीट विज्ञान, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DSSB रेलवे में जब भी एग्जाम हुआ आपके, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, तो इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुए हैं, ठीक है। 2014 का आप पेपर उठा करके देखेंगे DSSB का, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो इस टॉपिक से लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं आपके, ठीक है। तो उसके पेपर को देखते हुए लगता है कि ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से जो है सारे क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कल जो है मैं क्लास इस वजह से नहीं ले पाया, क्योंकि इस टॉपिक में 93 क्वेश्चन है MCQ के, कितने 93। अब 93 क्वेश्चन एक साथ बनाने में बहुत दिक्कत होता है, तो इस वजह से आज ये क्लास जो है हम आपके लिए लेकर के आएँ। चलते हैं सीधा MCQ की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस मच्छर से होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन जितना सिंपल दिख रहा है ना आपको, उतना ही टेढ़ा भी है, ठीक है। टेढ़ा क्यों है मैं बताऊंगा आपको। जो DSSB की लैंग्वेज आपने देखे होंगे अभी तक एग्जाम देते हुए आप आ रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज होती, कन्फ्यूजन करने वाली लैंग्वेज होती है, आता हुआ क्वेश्चन भी जो है आप गलत कर देते हो। तो इसी क्वेश्चन को जो है मैं आधार बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मलेरिया रोग किस मच्छर से होता है। ए ऑप्शन जैसे कि आपके दे रखा है यहाँ पे, एनोफ्लीज मच्छर, बी में दरका एडीज मच्छर, सी में दरका क्यूलेक्स मच्छर, डी में दरका मैंसोनिया मच्छर। तो इसका राइट आंसर जो है आपके क्या है, ऑप्शन ए, एनोफ्लीज मच्छर। अब दोस्तों इसी को जो है ना DSSB कैसे देगा आपको घुमा करके, मलेरिया रोग होता है, ठीक है। आप पहले में तो दे देगा मच्छर से, बी ऑप्शन में देगा आपको प्लाज्मोडियम, ठीक है, ठीक है, सी में कुछ भी रख देगा, डी में कुछ भी रख देगा ऑप्शन, ठीक है। तो दो ऑप्शन रख देगा आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, मच्छर और प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों याद रखना प्लाज्मोडियम ही करना है, पहले ऑप्शन पे मच्छर ही मिलेगा, 101% मच्छर ही मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ छपी हुई है कि मच्छर के कारण से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के अंदर जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है उस प्लाज्मोडियम की वजह से जो है आपको मलेरिया रोग होता है, ठीक है। तो आपको अगर प्लाज्मोडियम ऑप्शंस में मिले, ठीक है, पहले पूरे ऑप्शन देखने का फिर बनने का, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम करना है, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। SSC में भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ, ठीक है। एडीज मच्छर से जो है डेंगू रोग होता है आपके, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, सी दे रखा है क्यूलेक्स मच्छर, तो क्यूलेक्स मच्छर से जो है ना यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आप जो है क्लियर कर पाएंगे कि कौन से मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो इजीली जो है आपके लिए क्वेश्चन करना आसान रहेगा। क्यूलेक्स से कौन सा होता है, मैंसोनिया से कौन सा होता है, ठीक है। तो आपके एनोफ्लीज मैंने बता दिया, एडीज मैंने बता दिया, क्यूलेक्स का जो है कमेंट करके बताइए, मैंसोनिया जो है कमेंट करके बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके जापानीज मस्तिष्क ज्वर किस मच्छर से होता है। ए ऑप्शन देगा क्यूलेक्स मच्छर, बी में देगा एनोफ्लीज मच्छर, और सी में देगा एडीज मच्छर, और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूसरे का जो है राइट आंसर हो जाएगा, जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है वो होता है क्यूलेक्स मच्छर से। किससे होता है, क्यूलेक्स मच्छर से, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। एडीज मच्छर से मैं बता ही चुका आपको डेंगू होता है, ठीक है। तो एडीज मच्छर हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्ट वैली ज्वर किससे होता है। रिफ्ट वैली ज्वर जो है किससे होता है। ए ऑप्शन देगा एडीज मच्छर, बी में देगा क्यूलेक्स मच्छर, सी में देगा एनोफ्लीज मच्छर, और डी में देगा ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफ्ट वैली ज्वर जो है वो होता है आपके क्यूलेक्स मच्छर से, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, डेंगू ज्वर किस मच्छर से होता है। ए ऑप्शन देगा एनोफ्लीज मच्छर, बी में देगा एडीज मच्छर, सी में देगा क्यूलेक्स मच्छर, डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन बी, एडीज मच्छर। दोस्तों पढ़ने का तरीका मैं बता दिया, ठीक है, जैसे ही मैं जिस टॉपिक की क्लास करवा रहा हूँ वो सिक्वेंस वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक दिन पहले जो है किताब में से पढ़ना है, और यहाँ पे जो है मेरी क्लास से रिवीजन करना है, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन आंसर जो है रिवीजन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका यहाँ पे, ब्रेंकोफाशियन फाइलेरियासिस रोग किससे होता है। ए ऑप्शन देगा क्यूलेक्स मच्छर, बी में देगा एडीज मच्छर, सी में देगा जू, और डी में देगा मक्खी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यूलेक्स मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी इक्वाइन मस्तिष्क ज्वर किससे होता है। ए ऑप्शन देगा एनोफ्लीज मच्छर, बी में देगा क्यूलेक्स मच्छर, सी में देगा एडीज मच्छर, डी में देगा जू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूलेक्स मच्छर से पश्चिमी इक्वाइन मस्तिष्क ज्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 7,
महामारी टाइपस रोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत सारे एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है ये। ठीक है, ए ऑप्शन में देखा जू, बी में देखा एडीज मच्छर, सी में देखा क्यूलेक्स मच्छर और डी में देखा एनोफिलीज मच्छर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महामारी टाइपस जोर जो है वो होता है आपके जू से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेग रोग किससे होता है? ए ऑप्शन में देखा जू, बी में देखा एडीज मच्छर, सी में देखा चूहे का फिशू से और डी में देखा इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, चूहे का फिशू। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण फाइलेरिया रोग किस संधिपात से होता है? ए में देखा जू, बी में देखा जेनो फसीला और सी में देखा एडीज मच्छर, डी में देखा मैंसोनिया मच्छर। तो आपके जो है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपने वहाँ देखा ही होगा पहला ही क्वेश्चन जो था उसमें चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन कौन सा आपके वहाँ पर दे रखा था? चार ऑप्शन में एक तो एडीज मच्छर दे रखा था, ठीक है, एडीज मच्छर के अलावा क्यूलेक्स मच्छर दे रखा था, क्यूलेक्स मच्छर के अलावा जो है आपके उसके अलावा जो है आपको कौन सा दे रखा था, एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखो, आपका क्लियरिफिकेशन हो गया। ठीक है, मैंसोने वहाँ पर दे रखा था, अगर आपको याद हो तो आपको पता हो जाता कि मैंसोनिया से जो है कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर ग्रामीण फाइलेरिया जो है मैंसोनिया से होता है। ठीक है, तो वो चार ऑप्शन आप इस तरीके से पढ़ेगा ना तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 में देखा है आंत्रजोर रोग किससे होता है? आंत्रजोर रोग को अपन जो है टाइफाइड रोग भी बोलते हैं। अब DSS भी क्या करती है, लैंग्वेज को घुमाती है। आंत्रजोर लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, टाइफाइड लिखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन करने के लिए ना डिफरेंट वर्ड का जो है ना यूज करती है ताकि जो है आप उस क्वेश्चन को ना कर पाएं। और जो बंदे जो है एक शब्द के चार अर्थ जो निकलते हैं अगर वो उनको पता है तो वो उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है जैसे मक्खी, बी में दे रखा है मच्छर, सी में दे रखा है जू, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आंत्रजोर को जो है टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, और टाइफाइड जो है वो होता है आपके मक्खी से। ठीक है, मक्खी बैठ जाती है आपके भोजन के ऊपर। ठीक है, जो भी आप खाद्य पदार्थ होते हैं ना, ठीक है, उनको जब आप खाते हैं मक्खी क्या है गंदगी में इनमें पैदा होती है, गंदगी भी बैठती है। ठीक है, जब आपके खाने की चीज़ों पर बैठती है और आप उसको खाते हो ना तो आपको जो है टाइफाइड होने का ज़्यादा खतरा होता है और इसी वजह से जो है मक्खी से जो है आपको टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं अपन। यहाँ पर यह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, हैजा रोग किस कारक से होता है? ठीक है, ए ऑप्शन देखा वक्राणु कालरिया, बी देखा है सान मेनेल SP टाइपी। ठीक है, और यहाँ पर सी में देखा HA वायरस और जी में देखा जी लंबालिया। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, वक्राणु कालरिया से जो हैजा रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पीत ज्वर को अपन जो है एलोफियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीत ज्वर को जो एलोफियर बोलते हैं, एलोफियर रोग किससे होता है? ए ऑप्शन देखा जू, बी में देखा एडेंज मच्छर, सी में देखा क्यूलेक्स मच्छर और डी में देखा इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडेंज मच्छर। एडेंज मच्छर से जैसे कि मैं आपको बताया डेंगू भी होता है, पीत ज्वर एलोफियर भी होता है, ध्यान में रखना। एडीज मच्छर से दो रोग जो है यहाँ पे आपके क्लियर हो चुके हैं, याद रखना है एक एक। ठीक है, जैसे कि मेरा जो पढ़ने का जो तरीका है वो मैं थोड़ा सा उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आए, क्योंकि मैं एज ए टीचर यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सबका अलग अलग होता है, अगर टीचर में मुझे इंटरेस्टेड होता ना, मैं BEd करता, MEd करता, ठीक है, और मैं कहीं पे जो है गवर्नमेंट जॉब की जो है टीचर की तैयारी कर रहा होता और कहीं जो है किसी गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का टीचर होता या किसी कॉलेज में लेक्चरर वगैरह होता, अगर मुझे टीचर लाइन में जो है इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि सबका अलग अलग लाइन में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो मैंने अलग फील्ड चुना है, इस वजह से हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आए। बस मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को जो है यहाँ पर कि आप सफल हो पाएँ। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका चिकनगुनिया ज्वर किस मच्छर से होता है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपके है चिकनगुनिया। अब इसको भी याद रखिएगा, तीन रोग हो गए, एक तो पीत ज्वर, कौन सा एक तो हो गया आपके पीत ज्वर, पीत ज्वर जो है ये भी आपके एडीज मच्छर से होता है। ठीक है, एक हो गया चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो है ये भी आपके एडीज से होता है, और एक हो गया आपके डेंगू। तो डेंगू डेंगू पीत ज्वर और चिकनगुनिया तीनों ही जो है ना एडीज मच्छर से होते हैं, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, तो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा चिकनगुनिया ज्वर जो है बुखार वो होता है आपके एडीज मच्छर से, किससे होता है? एडीज मच्छर से। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14, कैसोनूर फॉरेस्ट रोग किससे होता है? ऑप्शन सी में देगा चीचड़, बी में देगा सुअर, सी में देगा मक्खी, डी में देगा मच्छर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीचड़ से। क्वेश्चन नंबर 15, बियोबोनिक फ्लाई किसके द्वारा होता है? ए में देगा पिस्सू, बी में देगा मच्छर, सी में देगा मक्खी, डी में देगा जू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिस्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, खाद जो रोग किससे फैलता है? ए में देखा है जू, बी में देखा है मच्छर, सी में देखा है मक्खी, डी में देखा है सुअर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए खात जोर जो है ना वो जू से होता है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आमाशय का जहर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। ए ऑप्शन आएगा फेरिस ग्रीन, बी में देखा है पेट्रो रसायन तेल, सी में देखा है कार्बामेट्स और डी में देखा है ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस ग्रीन से जो है उसको आमाशय का जहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आकाशीय फुहारा किसे कहते हैं या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैनोलेयर, बी देखा है पायरेथ्रम और सी देखा है फेरिस ग्रीन, सी देखा है कार्बामेट्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, नसों का जहर किस कीटनाशी को कहते हैं? ऑप्शन देखा है कार्बामेट्स, बी देखा है पेरिस ग्रीन, सी देखा है पायरेथ्रम और डी देखा है मिथिल ब्रोमाइड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पायरेथ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संपर्क विष किसे कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ए ऑप्शन देख रहा है डी डी टी की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एस सी एच की जो है फुल फॉर्म ये भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, आगे जाकर के आपको मिल जाएगा। बाकी मैं डी डी टी की जो फुल फॉर्म लिखा हूँ और ये जो है डी जी एच एस में पूछा गया है डी डी टी की फुल फॉर्म, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सी जो है बी एस सी है सी में और डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो संपर्क विष जो है किसे कहा जाता है? वो डी डी टी को कहा जाता है। डी डी टी की जो है फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आगे जाकर के मिल जाएगा इसी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेगा ये किताब जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये किताब जो है सक्सेस की पब्लिशर की है। किसकी है? सक्सेस की पब्लिशर, उसी में से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर है, खुद की मेहनत का कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं इसी किताब से एमसीक्यू चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको भटकना नहीं है, ठीक है, आपको इसी किताब से पढ़ना है, किताब से टॉपिक पहले पढ़ना है और उसके बाद में क्लास चला रहा हूँ, उससे आपको रिविजन करना है। ये मेरा खुद का किताब है, ठीक है। इसके राइटर जो है वो कौन है? विनोद कुमार मीना। कौन है? विनोद कुमार मीना, ठीक है। इसी में से मैं जो है आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको यही चैनल फॉलो करना है, ये ऑफिशियल है। दूसरे जो पढ़ा रहे थोड़े दिन पढ़ाएंगे उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं अपन। अवशिष्ट छिड़काव किसे कहा जाता है? अवशिष्ट छिड़काव किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में दे रखा है बी एस सी, बी में दे रखा है डी डी टी, सी में देखा है एच सी एच और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी डी टी। डी डी टी को जो है ना अवशिष्ट छिड़काव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मच्छरों से कितने जोड़ी पैर होते हैं? मच्छरों में जो है कितने जोड़ी पैर होते हैं? ए में दे रखा है एक जोड़ी, बी में दे रखा है दो जोड़ी, तीन में दे रखा है सॉरी सी में दे रखा है तीन जोड़ी और डी में दे रखा है चार जोड़ी। तो मच्छरों के जो है ना तीन जोड़ी पैर होते हैं, कितने होते हैं? तीन जोड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया ये, लेकिन ये जो है ना आप जो डिप्लोमा के एग्जाम वगैरह थे ना उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव में तो नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23, मच्छर के उदर बेलनाकार होते हैं जिसमें कितने खंड होते हैं? जो मच्छर होता है ना तो उसका उदर जो पेट होता है ना, पेट में जो है ना ऐसे बीच बीच में ना धारियाँ बनी होती है, ठीक है, तो वो खंडों में बढ़ जाता है। जब वो खंडों में बढ़ता है तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें कितने खंड बने होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखा 10, बी में देखा 15, 15, सी में देखा 5 और डी में देखा 2, मतलब दो खंड। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपके यहाँ पर ऑप्शन ए 10 खंड। क्वेश्चन नंबर 24, वयस्क मच्छर में कितने खंड गिने जा सकते हैं? ए में देखा है 10 खंड, बी में देखा है 8 खंड और सी में देखा है 5 खंड और डी में देखा है 15 खंड। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 8 खंड। क्वेश्चन नंबर 25, ये दोस्तों ये जो वाला क्वेश्चन है 25 बहुत एग्जाम में लगभग आप पेपर देखेंगे ना किताब में से उठा के पुराने उसमें देख लेगा, रुके हुए साफ पानी में कौन सा मच्छर अंडा देता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएस में पूछा गया है, ठीक है, उसके अलावा और भी अदर एग्जाम में पूछा गया ये। तो ए ऑप्शन देगा एनोफिलीज मच्छर, बी में देगा क्यूलेक्स मच्छर, सी में देगा एडिज मच्छर और डी में देगा मेंसोनिया मच्छर। तो रुके हुए साफ पानी में जो है ना ये आपके एनोफिलीज मच्छर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा मच्छर दीवार पर कोण बनाकर बैठता है? ए ऑप्शन में दे रखा है आपके यहाँ पर एडिज मच्छर,
बी में देखा है एनाफिलीज मच्छर, सी में देखा है एडीज मच्छर और डी में देखा है कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दीवार पे जो है ना कौन बनाकर जो बैठता है वो बैठता है एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। ये DSSB में पूछा गया है, याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रात में मनुष्य को कौन सा मच्छर काटता है, ठीक है। ए ऑप्शन देखा एनोफ्लिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, बी में सी में देखा एडीज मच्छर और डी में देखा ये सभी। तो इसमें आपके जो है ना रात में कौन से मच्छर काटता है, तो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँ। रात में जो है ना आपको एनोफ्लिज मच्छर भी काटता है और बी में जो क्यूलेक्स दे रखा है क्यूलेक्स भी जो है आपको रात में काटता है, ठीक है, ए और बी। और ये इसलिए है ए और बी क्योंकि एकमात्र ऐसा मच्छर है ये, कौन सा, एडीज, ये आपको दिन में काटता है। कब काटता है, दिन में, याद रखना एडीज सबसे हट करके, एडीज वैसे ही आपको याद रह जाएगा वैसे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मच्छर है जो दिन में काटता है, बाकी सारे मच्छर जो है ना रात में काटते हैं, इसलिए इसमें और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, और दोस्तों ये जो मच्छर वाले क्वेश्चन हैं तीन चार जो आए हैं अभी, ठीक है, ये सारे DSSB में पूछे गए हैं, तो याद ही रख लेना भाई, एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में मैं आपको बोल दिया था कि ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है ना दो पांच क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं यार एग्जाम में। रुके हुए गंदे पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है, इससे पहले क्वेश्चन आया था रुके हुए साफ पानी में, ठीक है, अब यहाँ पे आया रुके हुए गंदे पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है, ए मैं आपके दे रखा है यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर और बी में देखा एडीज मच्छर, सी में देखा एनोफ्लिज मच्छर और डी में देखा ये सभी। तो रुके हुए गंदे पानी में जो है क्यूलेक्स मच्छर देता है, ठीक है, कौन सा देता है, क्यूलेक्स। क्वेश्चन नंबर 29, दीवार की परत के समांतर कौन सा मच्छर बैठता है, ए में देखा क्यूलेक्स मच्छर, बी में देखा एडीज मच्छर, सी में देखा मैनसोनिया मच्छर, डी में देखा एनोफ्लिज मच्छर। तो इसमें आपका राइट आंसर देगा ऑप्शन बी एडीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों की जड़ों में जो पानी रहता है उसमें कौन सा मच्छर अंडा देता है, ये भी सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है और इसमें कौन सा मच्छर जो है पौधों की जड़ों में देता है, एकमात्र जो है ना मैनसोनिया है, ठीक है, मैनसोनिया ये जो है आपको पौधों की जड़ों में जो है अंडे देता है और इससे जो है ऊपर क्वेश्चन आया मैनसोनिया मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो ग्रामीण फाइलेरिया, ठीक है, तो याद रखना है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट करके भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताया था, ये देखो क्या लिखा हुआ है, नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो एडीज मच्छर को छोड़कर सभी मच्छर रात में मनुष्य को काटते हैं, एडीज एकमात्र ऐसा है जो दिन में काटता है, जैसे कि मैं आपको बताया था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी लिया मैं आपसे, 31, दिन में कौन सा मच्छर काटता है, ए ऑप्शन ही दे रखा है एडीज मच्छर, बी में देखा मैनसोनिया मच्छर, सी में देखा क्यूलेक्स मच्छर और डी में देखा एनोफ्लिज मच्छर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडीज मच्छर, ठीक है, तो ये दिन में काटता है। क्वेश्चन नंबर 32, साफ पानी जैसे कुएं, छत की टंकी, पानी भरा बेसमेंट में कौन सा मच्छर अंडे देता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है नगर निगम के अंदर जो वैकेंसी आई थी हरियाणा में, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, DSSB में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा एनोफ्लिज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 33, गंदे पानी जैसे खाई, होदी, सेप्टिक टैंक, गड्ढे वाला शौचघर, अवरुद्ध नाली में कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन सा देता है, क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका यहां पर, नारियल की खोपड़ी, टूटा मटका, पेड़ का खोहा, फेंका हुआ टायर, मर्दमान आदि में जमा पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है, ये क्वेश्चन आपके अभी DGHS का एग्जाम दिया है आपने, उसमें भी पूछा गया है, ठीक है, तो ये DSSB में भी पूछा गया है। देखो कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से रिपीट हुए, इसीलिए कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन देगा एडीज मच्छर, बी में देगा क्यूलेक्स, सी में देगा मैनसोनिया और डी में देगा एनोफ्लिज मच्छर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडीज मच्छर। नारियल की खोपड़ी, टूटा मटका, पेड़ का खोहा, फेंका हुआ टायर, मर्दमान आदि में जमा पानी में कौन सा मच्छर अंडे देता है, तो वो है एडीज मच्छर। और इसीलिए जो है ना डेंगू से बचने के लिए जो है उपाय बताया जाता है, क्या बताया जाता है, ठीक है, कूलर का जो पानी है उसको 7 दिन में चेंज करते रहें, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा दिन इकट्ठा होगा तो एडीज मच्छर उसमें पैदा होंगे और जब वो काटेंगे तो आपको डेंगू हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी होती है तो डेंगू का खतरा रहता है। डेंगू एकमात्र ऐसी बीमारी है कि प्लेटलेट डाउन हो जाती है और आदमी को जो है ना रिस्की होता है बहुत ज़्यादा, जब एकदम से प्लेटलेट्स गिरते हैं ना आदमी की जो है डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35,
मादा मच्छर कितने सप्ताह तक जीवित रहते हैं? ए ऑप्शन देखा है 10 से 15 सप्ताह, बी में दे रखा है 15 से 20 सप्ताह, सी में दे रखा है 5 से 7 सप्ताह और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन सी 5 से 7 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 36, मच्छर की उड़ान किलोमीटर में लगभग होती है, तो इसमें आपके ए ऑप्शन देखा है 3 से 15 किलोमीटर। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो है आपके ऑप्शन से राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, रोगवाग मच्छर कम लगभग कितने किलोमीटर तक उड़ते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन से आपके दे रखा है 2 किलोमीटर तक, तो ये आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मच्छर का डिंबक कितना मिलीमीटर लंबा होता है? ए ऑप्शन में आपके दे रखा है 1 से 3 मिलीमीटर लंबा, बी में लगा 0.5 से 1 मिलीमीटर लंबा, सी में लगा 2 से 5 मिलीमीटर लंबा, डी में लगा 3 से 8 मिलीमीटर लंबा। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.5 से 1 मिलीमीटर लंबा। क्वेश्चन नंबर 39, कितने दिनों में डिंबक प्यूपा से पीपा में या टम्बलर में बदल जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन देखा है 4 से 10 दिनों में, बी में देखा है 10 से 20 दिनों में और सी में देखा है 8 से 15 दिनों में, डी में देखा है 10 से 15 दिनों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 से 10 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 40, अंडे से मच्छर बनने में कितने दिन लगते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में देखा है 15 से 20 दिन, बी में देखा है 7 से 14 दिन, सी में देखा है 1 से 5 दिन, डी में देखा है 1 से 3 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से 14 दिन लगता है अंडे से मच्छर बनने में। क्वेश्चन नंबर 41, कौन से मच्छर का जैविक नियंत्रण संभव नहीं है? ए में देखा है एडिज मच्छर, बी में देखा है मैंसोनिया मच्छर, सी में देखा है ए व बी दोनों और डी में देखा है क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब जो जैविक नियंत्रण जो है संभव नहीं है तो वो एडिज का भी नहीं है, मैंसोनिया का नहीं है, बाकी जो मच्छर है उनका जैविक नियंत्रण संभव है, ठीक है। जैविक नियंत्रण का मतलब हो गया गंभीरसिया मछली वगैरह जो होती है ना, वो मच्छर के जो लार्वा होते हैं ना उनको खाती है, तो वो मच्छरों को समाप्त करने करती है। क्वेश्चन नंबर 42, घरेलू मक्खी का शरीर कितने मिलीमीटर लंबा होता है? ए में देखा 1 से 4 मिलीमीटर, बी में देखा 6 से 7 मिलीमीटर, सी में देखा 7 से 10 मिलीमीटर और डी में देखा 7 से 12 मिलीमीटर। इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 6 से 7 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, मक्खी का शरीर कितने भागों में बटा होता है? ए में देखा 2 भाग, बी में देखा 3 भाग और सी में देखा 1 भाग और डी में देखा 4 भाग। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भागों में बटा होता है मक्खी का शरीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, मक्खी में कितने जोड़ी एंटीना होते हैं? ए में देखा 1 जोड़ी, बी में देखा 4 जोड़ी, सी में देखा 2 जोड़ी और डी में देखा 3 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन ए 1 जोड़ी, 1 जोड़ी जो है मक्खी में एंटीना होता है। क्वेश्चन नंबर 45, मक्खी में नर का शरीर कितने खंड में बटा होता है? ए में देखा 7 खंड में, बी में देखा 8 खंड में, सी में देखा 6 खंड में और डी में देखा 2 खंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 खंड में। क्वेश्चन नंबर 46, मक्खी में मादा का शरीर कितने खंड में बटा होता है? ए में दे रखा है 7 खंड में, बी में 8 खंड में, सी में दे रखा है 9 खंड में और डी में देखा 4 खंड में। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी 9 खंड में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों जैसे कि मैं बताया इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसी वजह से जो है फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं हो पाई और मेरा गला सूख गया है इसके एमसीक्यूज को पढ़ाते, ठीक है। तो आपको भी जो है थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा आ जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा जो है ना जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन राइट है वही मैं आपको बताने की भी कोशिश करूँगा और जो थोड़ा डिटेल में समझाने वाला होगा उसको समझाने की भी कोशिश करूँगा। 47 क्वेश्चन है आपका, मादा मक्खी अर्ध सप्ताह के अंतराल में झुंड में कितने अंडे देती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 से 150 अंडे। क्वेश्चन नंबर 48, मक्खी का जीवन चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए 12 दिनों, मक्खी का जीवन चक्र जो है 12 दिनों में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मरुभक्षी का कितने मिलीमीटर लंबा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी 2 मिलीमीटर लंबा। क्वेश्चन नंबर 50, मरुभक्षी का कितने सप्ताह तक जीवित रहती है? तो इसमें आपके जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मरु बक्षी का की उड़ने की सामान्य पहुंच है? तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शंस बी 100 से 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 52, मरु बक्षी का जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 से 50 दिन। क्वेश्चन नंबर 53, मरु बक्षी का से होने वाली बीमारियां नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंत्रज्वर। आंत्रज्वर जो है आपको मैं बताया इसको अपन बोलते हैं टाइफाइड भी, ठीक है, और ये होता है आपके मक्खी से,
मक्खी जैसे कि मैं बताया खाद्य पदार्थों पे बैठती है, और मक्खी जो है गंदी जगह पे बैठती है, जब खाद्य पदार्थों पे बैठती है तो वहाँ का जो जितना भी जीवाणु टाइप जो है गंदगी जो उसकी खाने के पदार्थों पर चिपक जाता है, और उसको जब आप खाते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं और आपको टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, पिस्सू कितने वर्षों तक जीवित रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, रक्त पीने के बाद पिस्सू कितने सेंटीमीटर तक उछलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर नोट करके भी लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल में जैसे कि मैंने बताया था, कहाँ पे समझाने की बात होगी तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। रक्त नहीं पीने पर पिस्सू 15 सेंटीमीटर तक उछलता है, और रक्त पीने के बाद जो है 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, पिस्सू जब अंडे देता है कितने मिलीमीटर के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके ऑप्शन ए, 0.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, पिस्सू द्वारा फैलने वाली बीमारी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो भी पिस्सू द्वारा फैलती है, और एडेमिक टाइफस ये भी जो है आपके पिस्सू द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 58, जू कितने सप्ताह तक जीवित रहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 4 से 6 सप्ताह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 59, मादा जू एक बार में कितने अंडे देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मादा जू अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितनी बार अंडे देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 30 बार। कितनी बार देती है? 30 बार। क्वेश्चन नंबर 61, जू से कौन सी बीमारी होती है? तो जू से जो है आपको यहाँ पर ये सारी बीमारियाँ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी ही बीमारियाँ जो है जू से होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी संक्रामक टाइपस भी जो है जू से होता है, खाद ज्वर भी जू से होता है, और सी अक्सर टीनियासिस डिपाइलीडियम ये भी जो है आपके जू से होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62, सिर और शरीर की जुओं के नियंत्रण के लिए कौन सा लोशन प्रयोग में लिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में पूछा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में 0.5% डिओडोराइड मेलेथिन। क्वेश्चन नंबर 63, जुओं के नियंत्रण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर जो है इसमें दे रखा है ऑप्शन डी राइट आंसर, केलामाइन लोशन। केलामाइन लोशन जो है ना बॉडी में आपके जैसे कि पीठ पे पीछे दाने वगैरह निकल आते हैं, ठीक है, पुंछे वगैरह हो जाते हैं ना, उसमें जो है यूज लिया जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो है जुओं के नियंत्रण के लिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन जो है ए बी और सी ये जुओं के नियंत्रण के लिए जो है उपयोग में ले जाते हैं। एकमात्र डी ऑप्शन ऐसा है इसका, ये वाला ऑप्शन ऐसा है इसका कि ये केलामाइन लोशन जो है मैंने जैसे कि बताया पीठ पे बॉडी में कहीं भी पुंछियाँ वगैरह हो जाती है तो वो उसमें यूज लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, चीचड़ का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, 2 से 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 65, चीचड़ से कौन सी बीमारी होती है? चीचड़ से जो है दोस्तों लकवा भी होता है। ठीक है, तो याद रखना लकवा चीचड़ से होता है, और लकवा आजकल जो है ना मतलब 40 साल के भी नहीं रहे उनको भी लकवा हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 66, चीचड़ के नियंत्रण में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रे है? तो इसमें जो है चीचड़ के नियंत्रण के लिए जो है ना मेलेथिन भी उपयोग में लिया जाता है, लिंडेन भी लिया जाता है, फेंसियल स्प्रे भी लिया जाता है। तो इसका जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी या ये सभी, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, कुटकी बरूथी में पेयर होते हैं? इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन है, 4 जोड़ी पेयर होते हैं। कितने? 4 जोड़ी पेयर। क्वेश्चन नंबर 68, मादा कुटकी कब तक जीवित रहती है? ए ऑप्शन देगा 1 से 2 सप्ताह, बी देगा 4 से 5 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 5 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 69, कुटकी से कौन सी बीमारी होती है? तो कुटकी से कौन सी बीमारी? तो इससे होती है खुजली। खुजली जब भी आपके चले ना, समझ लो ये कुटकी से हुई। अब कुटकी हिंदी शब्द है, कुटकी को क्या बोलते हैं? माइट्स, माइट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं स्किन में चिपके रहते हैं, पता नहीं चलता उनको जो है स्पेशलाइज जो है किसी यंत्र से देखा जाएगा तब वो नज़र आएंगे। ठीक है, और उसी की वजह से जो है ना ये आपको बॉडी में खुजली चलती है तो वो कुटकी या माइट्स से होती है, और इसको जो है ख़त्म करने के लिए पार्मथिन क्रीम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पार्मथिन क्रीम जो है ये खुजली के इलाज में काम में आती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर
70, खुजली होने पर इलाज में क्या किया जाता है? दोस्तों जैसे कि अभी मैं बताया था आपको, यहाँ पर ए ऑप्शन देखा है बेंजल बेंजोएट मिश्रण खुजली के स्थान पर लगाना, ये भी जो है खुजली के इलाज में जो है यूज किया जाता है। बी ऑप्शन देखा है 20% बेंजोएट और 5% मैंथोल खुजली पर लगाना, ये भी ठीक है। और सी में देखा है 5% सल्फर मलहम भी लगाना। तो ये तीनों जो है ये भी खुजली के इसमें जो है आपके उपयोग किया जाता है। तो इसमें डी दे रखा है ये सभी या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर डी हो गया आपका, ठीक है। और अभी जैसे मैं पैंथेन क्रीम बताया था ना, वो भी आगे आ जाएगा क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से खाजनाशी है, ठीक है। खाजनाशी का मतलब वही खुजली का नाश करने वाला है, ठीक है। तो 0.5% लेने ए ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। और बी में दे रखा है 5% टेटमोसोल, सी में दे रखा है 5% मेंथोल और डी में दे रखा है ये सभी या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। साइक्लोप की लंबाई होती है तो वो होती है कितना, 1 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर है साइक्लोप की लंबाई होती है 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, साइक्लोप का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने का। कितने का? 3 महीने का। क्वेश्चन नंबर 74, साइक्लोप का नियंत्रण किया जाता है, तो इसमें साइक्लोप का जो नियंत्रण कैसे किया जाता है? ए में देखा है साइक्लोप वाले पानी में 1 मिलीग्राम प्रति लीटर मात्रा में टेम्पोस मिलाकर। बी में देखा है ग्लास या पीस को तालाब कुओं होद में छोड़कर। सी में देखा है गलमुच्छों वाली मछली को तालाब कुओं होद में छोड़कर। और डी में देखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो इन सबसे जो है ना साइक्लोप का नियंत्रण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपके ये सभी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कृंतक है, ठीक है। ए ऑप्शन देखा है चूहा, बी में देखा है गिलहरी, सी में देखा है हिरण मूसा, डी में देखा है खरगोश और ई में देखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ई, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 76, काला चूहा कितना लंबा होता है? ए में दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सी में 5 सेंटीमीटर, डी में दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 77, चूहे की पूंछ की लंबाई होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 78, मादा चूहे में कितनी स्तनीय ग्रंथियाँ होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 से 11 स्तनीय ग्रंथियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 79, प्राकृतिक रूप से चूहे का जीवन काल कितना होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपके 9 महीने। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, संरक्षित प्रयोगशाला में चूहे कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, 3 से 5 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 81, जन्म के कितने समय बाद चूहे की आँखें काम करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सप्ताह बाद। क्वेश्चन नंबर 82, देखो दोस्तों इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन हैं। मैं चाहता था कम भी दे सकता था, लेकिन मैं कम नहीं दिया बुक में। मैं इसलिए कम नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक क्वेश्चन भी मैं इसमें बना करके नहीं देता और वही एग्जाम में आता तो वह आपके शायद सक्सेस में रुकावट बनता। तो मैंने जितना कोशिश हो सकता था, जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो बना करके हर टॉपिक में दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, चूहे की गर्भावधि होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 सप्ताह की होती है। चूहे की जो गर्भावधि होती है ना वो होती है 3 सप्ताह की। क्वेश्चन नंबर 83, मादा चूहा 1 वर्ष में कितनी बार बच्चे दे सकती है? तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 3 बार दे सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, चूहा प्रतिदिन अपने वजन का कितने प्रतिशत खाना खाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10%। क्वेश्चन नंबर 85, चूहा अपने निवास स्थान से कितनी दूर तक भ्रमण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 86, पिस्सू से होने वाली बीमारियां हैं, तो दोस्तों इसमें जो है उपरोक्त सभी या ये सभी इसका राइट आंसर है, क्योंकि फ्लैग बीमारी जो है वो भी पिस्सू से होती है, एडेमिक टाइपस ये भी पिस्सू से होती है, सी जो है हाइमेनोलेपिस नाना ये जो बीमारी है ये भी पिस्सू से होती है, और डी में दे रखा है हाइमेनोलेपिस डिमिन्यूटा ये भी जो है आपकी पिस्सू से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 87, मूसक से होने वाली बीमारियां, तो ए ऑप्शन देखा है मनुष्य में रिकेट्सिया लोपोकस, और बी में देखा है बेनिंग लिम्फोसाइटिक कारी ओमनीजिटिस। तो इसमें जो है ना ऑप्शन सी में आपके दे रखा है और ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों मिलाकर के ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इस वजह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, कृंतक नाशी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2015 वाली वैकेंसीज में।
तो ए ऑप्शंस में है आपकी वारफेरिन, बी में दे रखा है कामा फरील, और सी में दे रखा है ब्रोमोडी ओलोन और क्लोरोफासिनोन, डी में दे रखा है डाई फैसिनोन, और ई में दे रखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ई, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 89, सबसे अच्छी समझी जाने वाली कृंतकनाशी है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है जिंक फास्फाइड, जो है सबसे अच्छी समझे जाने वाली कृंतकनाशी है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से धुआं नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना डी ऑप्शन देखा, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड से जो है ना धुआं नहीं किया जाता, और ये जिंक फास्फाइड जो है ये ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। जिंक फास्फाइड ये देखिएगा सबसे अच्छी समझे जाने वाले कृंतकनाशी है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 में, ठीक है। और इसी से जो है धुआं नहीं किया जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 90 में जैसे कि आपको दे रहे हैं बेरियम कार्बोनेट, इससे भी धुआं किया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड इससे भी धुआं किया जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड इससे भी जो है धुआं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, विचेरिया ब्रेंकफटी कारक, ठीक है, से होने वाला रोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है आपके ब्रेंकफेशियन फाइलेरियासिस रोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, म्यूरिन टाइफस रोग किसके द्वारा होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जू से भी होता है और चूहे के पिस्सू से भी होता है, ठीक है। इस वजह से इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन डी, ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 93, स्क्रब टाइफस रोग किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन देगा बरूथी माइट से, ठीक है, और बी में देखा है चीचड़ टिक्स, सी में देखा है मच्छर, और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, बरूथी से। तो दोस्तों इस टॉपिक की जो पूरी क्लास है वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह आपका रहेगा प्राथमिक औषधि विज्ञान, ठीक है, प्राथमिक औषधि विज्ञान। तो इसकी क्लास स्टार्ट होगी आपको मंडे को, ठीक है। आपकी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की क्लास रहेगी मंडे को, सोमवार को रहेगी, सोमवार के बाद में जो है मंगलवार को नहीं रहेगी, बुधवार को रहेगी, बुधवार के बाद फिर गुरुवार को नहीं रहेगी, शुक्रवार को नहीं रहेगी। मतलब एक एक दिन के गैप में हफ्ते में 3 दिन क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने के लिए जो है क्लास जरूर सभी ग्रुप में जो है शेयर करेगा। थैंक यू।